कल्पना जी, देखिए कोई कहने लगा और उम्मीद करते हैं कि मेरा गीत शायद आप लोगों को पसंद आएगा। और एक किस में की मुद्रा है आदरणीय शक्रिदी टमाटर वालों की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। लेकिन देखिए ये तो फिल्म वालों की बात रही, हमारी अंदर गीत की, गीत क्या कहता है, दर्द की बात थी, अब मर्ज की बात है। सबने मिलकर दिखाया, सभी अपना अपना कार्य करने लगे जब सेतु बंधु का निर्माण हुआ। अब देखिए कार्य क्या क्या कर रहे हैं। किसे जानवान जताते शंका राम चरण रज कमाल बताया, और क्या होगा अगर चरण रज ने पाषाणों को नारी बनाया। क्या होगा श्री राम अगर इस पर चल पड़े। ये सेतु बंधन तो पूर्ण हो गया, ये पुल तो हमने बना दिया, लेकिन इसमें जो पाषाण लगे हैं अगर भगवान इन पर चलेंगे तो फिर क्या होगा। देखिए फिर ऐसे कहा कि नारी अहिल्या बिचारी बड़ी किस्मत की मारी
को याद करो। निर्माण कर दिया, इस सेतु को हमने पूर्ण कर दिया, लेकिन देखो होता क्या रहा है पहले से, कहीं यहाँ भी ऐसा हुआ तो क्या हो रहा है। नारी अहिल्या बेचारी बड़ी किस्मत की मारी, गौतम ऋषि ने जो सिलाई बनाई, चरण रज से जी तारी बनी स्वर्ग की अधिकारी, तब सशक्त उसने थी पाई। चरण रज का जादू है ये, और क्या होगा तेरी बात हुई, क्या होगा उनके चरणों की जो रज है केवल, अरे उसमें इतना जादू है कि पाषाण नारियां बन जाते हैं, तो सोचो भगवान तो स्वयं इस पर चलेंगे तो फिर उस फूल का क्या होगा। तो देखिए कैसे कहा कि अहिल्या बेचारी बड़ी किस्मत की मारी, और गौतम ऋषि ने शिला बनाई, और चरण रज से ही तारी बनी स्वर्ग की अधिकारी, तब सबगत भी उसने पाई। संजय जगजी जो कीर्तन गा रहे हैं उनकी ओर से आते हैं धन्यवाद है संजय भैया, आवाज नहीं कोयल है, अरे भैया आप लोगों आशीर्वाद है कुछ नहीं है। अच्छा संजय भैया क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद, आपको पहचान लिया आप संजय भैया है, और ये 51 रुपए की मुद्रा बलजीत बाबा राकेश और आदरणीय जगदीश बाबा, आदरणीय प्रेमचंद जी, आदरणीय परशुराम रज्जू भैया जी, इनके कदमों से प्राप्त करना हाथ दिखा के धन्यवाद है, और ये 51 रुपए आदरणीय
आदरणीय धीरा गुप्ता जी और आदरणीय बबलू शाह जी, कैसा हाउस नवाबगंज की ओर से हार्दिक धन्यवाद है। और 21 पे आदरणीय चुलबुल अरब हेलेट हॉस्पिटल वालों की तरफ से है हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। खाली नाम लिखा मुद्राएं पता नहीं कितनी दूंगी, ठीक है भैया भूल के लिए क्षमा, अगर गलती हो जाए तो दोबारा से देख के बुलवा देगा, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। तो मैं बार बार ये नहीं कहूंगी कि कल्पना जी सुनिएगा, कल्पना जी सुनिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कल्पना जी बहरी नहीं है, सुनती है और सुन रही होंगी। आइए अब देखिए होगा क्या है, आगे क्या होता है। जब उन्होंने सुना तो देखिए वो क्या करने लगे, क्या करने लगे, बनके तपधारी छोटे भैया शिवम के लिए धन्यवाद है, बहुत प्यार कर रहा है शिवम भैया को। और एक छोटे बच्चे के लिए बड़ी बात है इतनी पब्लिक को फेस करना और अपने परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से दिखाना है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ शिवम जी का जो अपने दिल से पूरी मेहनत कर रहे हैं वो और खूब डुबकी लगा रहे हैं। बेटा भीगे रहो ऐसे। और 21 रुपए की मुद्रा है आदरणीय मुरारी लाल जी बाबा भट्ट और बाजा बाजी की नवाजी 21 रुपए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है, जैसे बंदर है। तो देखिए वो जो बन के तपतारी थे जो मुनि थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ऐसा कमाल है रहने चलो हमें भी एक एक नारी मिल जाए। तो वो बन के तपतारी आए बनवाने नारी, और ये हमारे 101 रुपए शिवम भैया के लिए है हाथ में मिला। हेलो अनु भैया की ओर से करना जी से मेरा एक निवेदन है कमेटी वालों की तरफ से कि आप बीच में पुरस्कार ना बोले, भजन होने के बाद पूरा कीर्तन होने के बाद पुरस्कार बोले, ठीक है। तो उसके लिए मैं कमेटी से अनुरोध है आप पूरा अपना भजन करें कि वो के तपधारी आए बनवाने नारी, कोई चिकना सा पाशन लाए, चिकना सा पाशन लाए। अच्छा देखिए अच्छी सुंदर नारी बनवानी है तो वो के तपधारी आए बनवाने नारी, और कोई चिकना सा तुम्हारी बदली किस्मत हो सारी, एक एक नारी सभी को बताने के जाता। और तब देखिए होता है क्या, ओ हर्ष वो साधु हुए, ओ हर्ष वो साधु हुए, अरे हाय हर्ष वो साधु Yeah.
कहने लगे। कल्पना जी एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ बहुत सारा इनाम हुआ, जीतने वाले को 4,000 मिलेंगे, हारने वाले को 8,000 मिलेंगे और दोनों को मिला के 16,000 मिलेंगे। लेकिन मेरा केवल आज जो जनता यहाँ सुन रही है, केवल एक ही बात कह रहा हूँ सभी से कि मैं जीतना चाहती हूँ, जीत चाहती हूँ और ना हार चाहती हूँ। और मैं तो आई हूँ आप सबके लिए, बस आप सबका प्यार चाहूँ। जो भी सोने की ट्रॉफी रखी है जिस मस्जिद को दीजिए, मुझे नहीं आशा, मुझे केवल इस जनता के हंसते हुए चेहरे सुबह तक देखने हैं बस। देखिए आपने मत बाबा कीजिएगा बेटा, बहुत अच्छे नगीने जो पड़े हैं, जैसे हमने पन्ना पहना है, ये पत्थर ही तो है। राजे महाराजे तो बड़े बड़े पत्थर पहनते थे, पर वो तो सुकुमारी राजकुमारी थी, तो जाने कितने कीमती पत्थर उनके हाथों में गले पहुंच रहे। तो उन्होंने डर के मारे भगवान का पैर ही स्पर्श नहीं किए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अंगूठियां ही नारी बन जाए और हमारे लिए सौगंध करके तैयार हो जाए। इसी डर की वजह से बिल्कुल केवल लोग जानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले से पहले ही बोला कि मातृ नाम केवल आना और कहीं हुमार परम में जाना। ऐसे नहीं बिठाऊंगा स्वामी तुमको मैं अपने नाम। तो सीता ने जानी भगरज की कहानी, तो भगना छुए We'll be right back.
कृष्ण जन्म कीरा बड़े ही सुरीले अंदाज में आपने सुना है। दो तीन बातों से आपको ऐतराज हुआ है। आपने कहा कि मुझे दुश्मन कह दिया करुणा जी। विश्वास मानिए मेरी आपकी क्या दुश्मनी, जिनसे पहले ही मुलाकात हो उनसे क्या दुश्मनी। और आपकी और हमारी तो एक ही राशि है, कल्पना करुणा। और मैंने हनुमान जी को लेके गाया था कि रावण तारीफ कर रहा है, यानी दुश्मन दल तारीफ करने लगे, ऐसा बल होना अच्छा होता है, ऐसा बल बल होता है। चाटी वाला भाई का मालूम देख लीजिए। अगर आपको अपने लिए लगा है तो मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था करुणा जी मेरी तरफ से। अगर आपको लगा है फिर भी क्षमा मैं कह लेती हूँ, आप ऐसा बिल्कुल न सोचिए मैंने आपको दुश्मन का। क्या बात है, क्या बात है बेटे। इसके बाद आपने एक बात और कही है कि गाना कम हो रहा है, मेरा नाम ज्यादा लिया जा रहा है कि करुणा जी सुने, करुणा जी सुने। अगर आपको इस पर भी ऐतराज है तो रात भर आपका नाम नहीं लेंगे। बहुत बड़ी गलती हुई है, तुमसे माफी मांगो दीदी से, क्षमा चाहते हैं। ये क्या बात है बेटे, वाह। फिर आपने कहा कि कल्पना सुनना, फिर आपने कहा कि अभी आप ये कहेंगे कि हम करुणा जी कह रहे हैं, आप कल्पना जी क्यों नहीं कह रही हैं? ना नहीं, आप बिल्कुल कल्पना जी न कहिए बल्कि कल्पनिया कह सकती हैं आप। कल्पनिया कहो, आपकी जो इच्छा है आप कहिए। मेरा स्वभाव है मैं उस स्वभाव से बात करूंगी, आप अपने स्वभाव से बात करेंगे, हमारे जैसे संस्कार हम उस संस्कार से बात करेंगे, आप अपने संस्कारों से बात करेंगी। स्वभाव से कोई विपरीत नहीं हो पाएगा, मेरा जैसा स्वभाव वैसा मैं करूंगी, आपका जैसा वैसा आप करेंगे। हम आपको जी ही लगा के बोलेंगे, लेकिन अब करुणा नहीं बोलेंगे, हम आपको बहन जी बोलेंगे। क्या बात है, अगर इसमें भी आपको ऐतराज हो तो अगले चक्र में बता देना, हम आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, इधर देख लेंगे, है ना। हम तो आप लोगों के लिए आए हैं। और क्या, फिर आपने कहा हम बार बार नाम इसलिए नहीं लेंगे, क्या कल्पना बहरी नहीं है? सही कहा, बहरे भी होंगे तब भी सुन लेंगे, इतना तेज लाउड बज रहा है साउंड। आपने कहा मेरे गीत का जवाब आपको अच्छा लगे तो स्वीकार कर लीजिए करुणा जी, कोई भले ही स्वीकार करे या ना करे, लेकिन कल्पना दुबे स्वीकार करे। क्या बात है, क्योंकि ये भी क्षमता की बात होती है स्वीकार कर लेना। क्या बात है, ये अच्छे लोगों के अच्छे विचार। आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे, आपने एक तर्क और किया, ये सील्ड रख लिया 16,000, 8,000, 4,000। करुणा जी विश्वास मानिए हम लोग कभी सील के लिए नहीं गाते हैं, आप करें हम पहली बार आए हैं, आप बहुत प्यार मिलेगा, प्रेम स्नेह मिलेगा, मेरी तरफ से भी मिलेगा, सबकी तरफ से मिलेगा। रही जीत हार की बात, तो ये जीत हार कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग पब्लिक के लिए गाने आते हैं, ये तो लोग रख देते हैं कि जीत हार की बात है, लेकिन सच्चाई ये है वे जी, कीर्तन में हमेशा ऐसी प्रीत हो ना किसी की हार हो और ना किसी की जीत हो। Come on!
पूछिएगा मेरे बारे में। शायद आप हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन हमारा छोटा भाई है शिवम, उनसे पूछेगा कि मेरा स्वभाव क्या है। उनसे नहीं, इनसे पूछेगा कि मेरा स्वभाव क्या है। धन्यवाद। देखो भैया थोड़ा चाचा वाली बना दीजिए। सुना है इनके गीत का भाव ये था, जिस समय सेतु निर्माण हुआ तो जो पत्थर तैर रहे हैं, कुछ लोगों ने सोचा कि अगर भगवान राम इन पत्थरों पर चढ़ेंगे तो कहीं ये पत्थर नारी बन पाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि भगवान की चरण रज छूने से पत्थर नारी बन जाते हैं। आदनिया भैया जी, राम जी 14 वर्ष वन में रहे, केवल अहिल्या के अलावा कोई पत्थर ऐसा हुआ जो नारी बना हो? सेतु निर्माण तो हुआ, वहाँ पत्थर पानी पे तैर रहे अलग बात है, उसके पहले रास्ते में भी बहुत कंकड़ पत्थर पड़े रहे, तो वो नारी बने क्या? पत्थर वही नारी बन सकता है जो पहले से नारी था, यानी कि अहिल्या। श्रापित पत्थर ही नारी बनेगा। नारी ही थी जो श्राप से शिला बन गई, तो वो उस श्राप से मुक्त हुई है, ना कि पत्थर नारी बने। समझो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन आपने चरण रज की जादूगरी दिखाई है, इतना तो याद है मुझे। चरण रज से तरी अहिल्या, चरणों की ये सौगात हुई। और जाने क्या क्या, थोड़ा आपसे निवेदन एक करेंगे कि थोड़ा कम, मुझे समझ में नहीं आ पाता, इतना चिल्ला चिल्ला के आवाज आती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी, आप लोग समझदार हैं, मैं तो आप लोगों के लिए आती हूँ, और क्या, आप लोगों तक पहुंच सको इतना प्रयास करती हूँ। आप चरणों की महिमा दिखा रही हैं। बात तो तब है जब हाथ की महिमा आए। चरण से बस बस साधक हुआ है, फिर आपने दिखाया कि सीता जी पैर नहीं छू रही है, इसलिए कि हमारे हाथों में उंगली में जो पत्थर पहने हैं तो पत्थर नारी ना बन जाएं। और फिर राज घराने की थी, बड़े बड़े पत्थर पहने थे, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर। राम राम। सखी कहे प्रभु पद कहो सीता, लेकिन माता सीता क्या सोच रही है? क्या कि गौतम दिए सुरत कर नहीं पर सत पग पा, कहीं मैं पति से दूर ना हो जाऊं। अगर कंकड़ पत्थर बनेगा विश्वास मानिए, पैर हमारे यहाँ छूते, आपके अभी छूते होंगे, कैसे ऐसे पैर ऐसे छूते हैं ना, तो अंगुलियों से छू रहे हैं। अब अंगूठी कहाँ पहनी जाती है? इतनी अभी अंगुली में अंगूठी पहने, वो अंगूठी तो चरणों में जाके टिकेगी नहीं। अब इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे तो अलग बात है, लेकिन मैं आपके गाने को नहीं काट रही हूँ, बढ़िया प्रयास है। आपने चरण चरण से दिखाई है चरणों की जादूगरी, मैं प्रयास करूंगी कि हाथों की जादूगरी आ जाए। बिल्कुल सुनिएगा। सुनिए अरे सतयुग पे सतधारी, चपा 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 चपा।
विश्वामित्र जी के साथ में आ गए, लेकिन तोड़े धनुआम बलधारी मेरे सुने तोड़े तोड़े धनुआम बलधारी जाने दुनिया ये सारी ऐसे अवध बिहारी रघुनाथ है समाज को पता है बोले लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े जब किसी ने लखा ही नहीं है तो गवाही कौन देगा बोले कोई दे या न दे लेकिन मेरे भाई को गवाही देंगे जिन्होंने तोड़ा है क्यों प्रभु आप कह दीजिए ना धनुष शास्त्र में तोड़ा है राम जी बोले लक्ष्मण सही बताए बोले हाँ बोले सही बात तो यह है कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा मैंने नहीं तोड़ा लक्ष्मण जी बोले जब धूप सहस्त्र से कई बार जब 10,000 एक साथ तोड़ रहे थे तब नहीं टूटा और आप गए तब टूट गया तो ये आपकी महानता नहीं है राम जी बोले नहीं जिस समय 10,000 धूप तोड़ने गए उस समय धनुष का समय नहीं आया था और सच्चाई यही है लक्ष्मण संसार में कोई किसी को नहीं तोड़ सकता केवल समय है जो समय सबको तोड़ देता है मैं जब तोड़ने गया जब विश्वामित्र समय सुबह जाने उसी समय धनुष का समय आ गया तो मैंने धनुष समय ने तोड़ा है लेकिन हाथों से तोड़ा गया है छुआ तो प्रभु पता है ना दोस्तों तो कहना पड़ा है महिमा है प्रभु जिस समय जब जब टेबल में चरण धोए तो वो भी यही चाहता था कि प्रभु का हाथ मेरे सर पे आ जाए क्योंकि जिस समय राम जी का चरण धो रहे हैं टेबल में धोया चरण उसके बाद दूसरा चरण बढ़ाया राम जी ने पहला नीचे रख लिया तो केवल में कहा प्रभु फिर दो चरण राम जी ने कहा अभी तो धोया बोले अभी धोया था लेकिन फिर वो नीचे रखा तो फिर उसमें रज लग गई है फिर लाल फिर धोए केवल ने ऐसे दो तीन बार किया राम जी ने कहा ऐसे तो दिन भर हम चरण ही धुलाते रहेंगे पार कब जाएंगे प्रभु एक काम करो आप एक पैर पर खड़े हो जाएंगे राम जी बोले एक पैर पर कैसे खड़े हो जाएंगे तो केवल ने कहा प्रभु एक काम करो आप अपना हाथ मेरे सर पे रख लो और जब किसी के सर पे हाथ रख लेते ना तो उसको उसको सहारा मिल जाता खड़े होने में तो राम जी बोले वाह केवट मान के बड़ी चालाकी से मेरा हाथ अपने सर से रखा रहे हो जिस समय सुग्रीव से मित्रता कराने के लिए राम जी को हनुमान जी ने कहा कि आप प्रभु
किष्किंधा के ऊपर चले जहाँ सुग्रीव जी बैठे हैं। राम जी का कोई क्या होगा कि जीव से मिलने के लिए परमात्मा को ऊपर जाना पड़ता है। तो हनुमान जी बोले प्रभु अगर सुग्रीव जी नीचे आएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि परमात्मा से मिलने के लिए जीव को नीचे गिरना पड़ता है। क्या किया जाए बोले हम काहे के लिए हैं, आप मेरे पीठ पे चढ़िए हम ले चलते हैं। और तेज गति से सवर पुत्र हनुमान जी जब चलने लगे तो राम जी ने कहा लक्ष्मण ने भी डर लग रहा है, बड़ी तेज उड़ रहा है गिर ना जाए। तो हनुमान जी बोले एक काम करो अपना सिर मेरे अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए। तो राम जी बोले तो इससे क्या हो जाएगा हम अपना हाथ आपके सिर पे रख देंगे तो क्या हम गिरेंगे नहीं। तो हनुमान जी बोले प्रभु बात यह है कि जिसके सर पे आपका हाथ हो वो भी गिर जाएगा तो दुनिया में बचेगा कौन। बहुत जगह है लेकिन एक जगह और आपको दिखा रही हूँ आदरणीय बहन जी और भैया लोग सुनिए। अरे वन के वनवासी आज आए सुख राशि तज के हो अवधवासी नाथ है हो। कोई और नहीं वो गिद्धराज जटायु जी है। राम जी ने उठाकर के गोद में ले लिया और राम जी ने जैसे ही उसके सर पे हाथ फेरा तो भैया जी की देते हैं हरि रूपा दर्जा दे दिया। कहते हैं एक पिता मेरे वियोग में मर रहा है एक पिता मेरे वियोग में मरे यानी महाराज दशरथ तो दूसरा पिता मेरे सहयोग में मरा है। माता जानकी की रक्षा करते करते जटायु के पंख कट गए। राम करे एक सहयोग में तो एक वियोग में दोनों के प्राण त्याग दिए हैं।